अगर आपका अभी पैन अभी तक आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, आप अभी तक लिंक नहीं कर पाए हैं, तो आप उसे खुद भी लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बहुत ही आसानी से। अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, देन आपको दिखाते हैं किस तरह से आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से खुद से लिंक कर सकते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर कुछ ही स्टेप को फॉलो करके। तो हम चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, देन आपको दिखाते हैं। फॉर्म गेम आ चुके हैं अपने हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके बाद हमको किसी भी ब्राउजर पर चले जाना है। हम किसी ब्राउजर पर आने के बाद हमको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है इनकम टैक्स। इसे आप मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, या पूरी तरह से मोबाइल फोन पर भी एक्सेसिबल है। तो यहाँ पर आ जाना है इनकम टैक्स gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं। इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिंक योर पैन कार्ड विद आधार, कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तुमको सिंपली यहाँ पर चले जाना है लिंक लिंक योर पैन कार्ड विद आधार। सिंपली हमको लिंक योर पैन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लिंक योर पैन पर क्लिक करते हैं तो एक हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग दिखा रहा है। देन लोडिंग लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा लिंक आधार। यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर नीचे पैन यहाँ पर फिल करना है अपना। नीचे यहाँ पर आधार वाले सेक्शन में आपको आधार फिल कर देना है, आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पर हमको एक वैलिडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली हमको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर देखने को ऑप्शन आ रहा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवेन आधार। हमको यहाँ पर आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका आधार यहाँ पर लिंक नहीं होगा तो आपको यहाँ पर OTP वगैरह डालने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगी। लेकिन उस OTP को अगर आप फिल कर देते हैं तो आपका आधार नंबर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगा आपके पैन कार्ड से। इसे आप बायोमेट्रिक के द्वारा भी करा सकते हैं, लेकिन आधार नंबर अगर लिंक है तो उसे आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसे करने में मात्र 1 से 2 मिनट का टाइम लगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी लिंक है इसलिए मैं अगला प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता। अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपको यहाँ पर OTP डालने का मतलब आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगी, तो OTP वो फिल करेंगे तो सक्सेसफुली है आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने आधार को अपने पैन से लिंक कर सकते हैं और कई सारी फैसिलिटी को आप बंद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको लिंक नहीं करते हैं तो आपके साथ कई सारी ऐसी मतलब फैसिलिटी है जो कि मिलना बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ और देख पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।